रामलला तो वहाँ विराजित है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो इसके लिए चाहे कोर्ट अथवा सत्ताधीश अध्यादेश लाए, कानून बनाए अथवा न्यायपालिका से राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित करा करके डे बाय डे की सुनवाई करा करके फैसले कराएं। अब फैसले के लिए न्याय के लिए विलंब का इंतजार इस देश का हिंदू समाज नहीं कर सकता, यह बताने के लिए देश के 80 स्थानों पे कम से कम 1-1 लाख संख्या की रैलियों का आयोजन है और दिल्ली के अंदर 9 दिसंबर को 5 लाख से ज्यादा संख्या की रैली का आयोजन है। 25 नवंबर को उत्तर भारत में अयोध्या, मध्य भारत में नागपुर और दक्षिण भारत में बेंगलुरु में दिन के 1 बजे एक साथ हिंदू हुंकार भरेगा। यह में लोकतंत्र, संविधान, सुप्रीम कोर्ट सब पर विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है, लेकिन न्यायालय फैसला दे तब तो हम विश्वास करें। मंदिर न बनाने का दोषी कौन है, सरकार या कोर्ट? भारत की न्याय व्यवस्था एकमात्र दोषी है। उस न्याय व्यवस्था के मूल जड़ में है कि जिस तरीके से यहाँ मुकदमे 1882 का ये मुकदमा है जो आज तक लंबित है, तो मैं मानता हूँ कि इस न्याय व्यवस्था के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो जो पक्षकार होंगे। सरकार में आने से पहले भाजपा ने 2013 से लेकर 14 तक चुनाव तक लगातार प्रचार किया कि हम मंदिर बनाएंगे और 4.5 साल बीत चुके हैं, अभी क्या स्थिति है? घोषणा पत्र को ध्यान से आप देखिए, राम मंदिर के प्रश्न पर उन्होंने क्लियर कहा है कि आपसी बातचीत, सहमति अथवा न्यायालय के द्वारा, ये घोषणा पत्र का ये शब्द ही हिस्सा है। और जहाँ तक उनके वायदे की बात है कि राम राष्ट्र है और राम का भव्य राम मंदिर, वो 1989 के पालमपुर प्रस्ताव से है, तो ये राजनीतिक दल से आप ये सवाल पूछे, लेकिन हम बाबा लोग तो पहले दिन से आंदोलन कर रहे हैं कि आप कोर्ट में सुनिए तो रामचंद्र जी मुकदमा लड़ रहे हैं, अखिल भारतीय संत समिति के वो भी हिस्सा थे और कोर्ट के बाहर भी हम जमीन पे आंदोलन।